गुरु नानक पाद पंकज बंदन सिमरौ अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास नित त्यामो हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गावो गुरु अर्जन विघ्न नके विघ्न नके ना श्री हर गोविंद शुभ सुमत पर का श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर श्री हर कृष्ण मना बहो तेग बहादुर परम कृपा जी परम कृपा श्री गुरु गोविंद सिंह बे तरो तरा पर पुन पुन शीस जी पुन पुन बंधा बारंबार जगदीसा जिस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहेब उदद बंदों करे अनुराग एकंकार सत गुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ चौपाई इक पुरे आवा बहुर अघारी जाए पहुंचे तें मझारी रैन रैन हित खोजत थाएं जिनकी ने ब्रह्मांड बनाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग चवर शतर तख्त दे मालक वालिये कुल आलम राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी महाराज तिना दी पावन पवित्र मुबारक निघी गोद दे अंदर मिल करके बैठ करके प्रेम भावना अदब अकीदत नाल हर जस कथा विचारा सरवण करन हित महाराजियों के पावन पवित्र मुबारक स्थाना ते जुड़ बैठे हा रब्बी पावन पवित्र गुरबाणी दे इलाही शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सा समा है कथा दा धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज सत्कारयोग भाई साहब भाई मरदाना जी जिन्हां दे संग हन
वख वख थावां नगरां तों महाराज सचे पातशाह जी लोकाई नूं महाराज सचे पातशाह उपदेश दे रहे हन। दीन दयाल पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने जो पावन पवित्र शब्द बाणी विच उचारण कीता सलोक है सहंसर दान दे इंद्र रोवाया परशुराम रोवै घर आया अजय सुरोवै भिखिया खाए ऐसी दरगह मिले सजाए। पावन पवित्र सलोक महाराज जी ने उचारिया बाली रोवै नाही पतार नानक दुखिया सब संसार। दो रोज पावन पवित्र महाराज जी के शब्द की कथा विचार आपा पिछे सरवण कीती है भावे जनमेजे दी साखी रूप दे अंदर सी राजे भरथरी दे बाबत सी सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह दियां दियां पावन पवित्र मुबारक इन्हां शब्दां तों इन्हां साखियां तों ओ अज वी हन। बाबाणिया कहाड़िया पुत सुपुत करेन महाराज सचे पातशाह जी दे पावन पवित्र बचन सदैव काल लई महाराज जी दे ए बोल अटल हन। धन श्री गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जी ने जिस प्रकार राजे जनमेजे नूं महाराज सचे पातशाह जी कथा बाबत महाराज जी ने सरवण करवाई सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह शाह दे घर गए। हुण धन गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जिया तो जो त्रै काल दे महाराज सचे पातशाह जी ज्ञाता हन शाह दी सुपत्नी नूं महाराज जी ने सिख्या दिती तिया पति दे हुकम दे अंदर रहना ही एहो ही सत है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जी ने शाह दी सुपत्नी नूं महाराज जी ने वचन कीता कि अपना माड़ा जीवन छड करके चंगे उच्चे आचरण दी मालकन बन सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी दे कोल बैठ करके उन्हें अपने कीते दी महाराज सचे पातशाह जी दे पासों महाराज जी दे कोलों मुआफी मंगी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र बाणी अंदर साध संगत जी भावे के पति पत्नी दे रूप दे अंदर के उस थां ते पत्नी जिंद नूं मन्निया पति परमात्मा नूं मन्निया अनेकां महाराज जी ने पावन पवित्र शब्द उचारण कीते ने सिख्या देण वास्ते जिवें शब्द हन सुचजी कुचजी गुणवंती ये पावन मुबारक शब्द जेड़े हैं साध संगत जी ओ परमार्थ दे नाल सानू जोड़दे ने नाल ही सानू दुनियावी सिख्या पी देंदे हन। जीवन दे अंदर चज दा आउणा कुचज होना ये भी जीवन दे अंदर महाराज जी दे पावन पवित्र शब्द हर वक्त कढ़दे हन। जिथे गुरु नानक देव महाराज जी की जोत ने गुरु साहिबान ने एक औरत वास्ते उच्चे किरदार का पावन पवित्र बाणी विच महाराज जी ने लिखिया मारू राग का श्लोक है क्या गालायो पूछ पर वेल ना जोहे कंत तू नानक फुल्ला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो। क्या गालायो पूछ पर वेल ना जो है कंत तू नानक फुल्ला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो। अज कोट कचहरियां भरिया पईयां हन भावे किसी भी रूप दे अंदर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया होवे सोशल मीडिया किसी भी थां ते कोई खबरां पढ़ लवे भी आपसी परस्पर प्यार जां इतफाक ना होण करके गल तलाक तक पहुंच गई है। मैं क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने जो कल दा पावन पवित्र प्रकरण सी शाह नूं महाराज जी ने उपदेश दिता
ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਖੀ ਪੜੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੜੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਤ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਕਤ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੜੀਏ। ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਭਾਵ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਦੰਪਤੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਆਇਓ ਪੂਛ ਪਰ ਵੇਲ ਨਾ ਜੋਹੇ ਕੰਤ ਤੂੰ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਤਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਲ ਨਾ ਜੋਹੇ ਕੰਤ ਤੂੰ, ਨਾਨਕ ਫੁੱਲਾਂ ਸੰਧੀ ਵਾੜ ਖਿੜਿਆ ਹੱਬ ਸੰਸਾਰ ਜਿਉਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਗਰ ਆਇਆ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਆਇਆ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਕੰਗਣਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹੋ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ, ਕੰਗਣਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਪਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੰਨ 1700 ਤੇ 33-34 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਰੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ, ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਿਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਪਈ ਇੱਕ ਪੁਰਿਆ ਵਾ ਬੋਰ ਅਗਾਰੀ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਏ ਮਝਾਰੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਰੈਨ ਰੈਨ ਹਿਤ ਖੋਜਤ ਥਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਥਾਏ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਖੰਡ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਬਸੇਰਾ ਦੇਤ ਨਕੋ, ਪਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਠੇ ਜਹਾਂ ਉਠਾਵੇ ਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਉਪਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਠਾ ਦੇਣ,
धन गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जी नू किसे ने उथे बैठन ना दिता। मंद मती पिक नर ते थाए। पातशाह जी ने वेख लिया भी मूड़ मत दे लोक ही वसदे ने, आए हुए अतिथि दी सेवा दे अंदर नहीं जुड़दे। धन गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जी ने तकिया, पुरते वैर प्रभु पुन आए। पातशाह जी नगरी तो बाहर धन गुरु नानक देव महाराज उस पिंड तो उस नगर तो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जी बाहर आ गए। हो तो कुष्ट युत एक फकीरा। बाहरले पासे एक छन दे अंदर एक झोंपड़ी दे अंदर एक थां ते कोई बैठा होया सी फकीर, ते तन ओदा कोड़ दे रोग दे नाल सारा भरिया पिया सी। शरीर पीक नाल भरिया, कोड़ दे रोग दे नाल ओदा तन भरिया होया सी। निसबा सुर बो पावत पीरा। बस दिन ते रात पीड़ दे नाल पिया विलक रहा है। दिन ते रात जिवे बस अपनी मौत ही उड़ीकदा होवे, कोई भी उदे नेड़े ना आवे। इथों तक कि पिंड दिया लोकां ने कोल ना रहन दिता भी किते एदे कोलों जिहड़ा ए रोग है होरना नू ना लग जाए। उन्हूं बाहरले पासे पिंड तों थां दे दित्ती, पिंड तों बाहर थां दे दित्ती भी ना तू पिंड विच आवीं ना ही इस पासे कोई जाएगा। रही गल तेरे रोटी पानी दी, कोई भी जे कोई उस थां तों लंघदा होया बाहरले पासे तेरे छन दे बाहरले पासे रोटी सुट के आ जाएगा। तेरा चित करे खा लई, तेरा चित करे ना खाई, पर तू पिंड विच नहीं आउणा। पिंड तों उस रोगी नू उस कोड़ी नू पिंड तों बाहर कर दिता। जदों धन गुरु नानक देव पातशाह जी उस नगर दे अंदर पहुंचे, किसी ने थां ना दित्ती। धन गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह दीन दुखियां दा उधार करन वाले। धन गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जी बस उस कोड़ी दी जिहड़ी छन बनी हुई है फकीर दी, धन गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जी उस पासे नू सेध दे अंदर पातशाह उस पासे चले गए। दिन ते रात जेड़ा कूड़ी अपनी पीड़ा दे नाल विलकरिया है, देख दया निद करुणा आई। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने वेख्या भी है कला पीड़ दे नाल पिया विलकरिया है, कोई भी एदे कोल नहीं। धन गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जी ओदी जिहड़ी हालत वेख के महाराज जी बड़ा तरस आया। चुंगी टिक बैठी जग साई। पातशाह जाओ दी झोंपड़ी दे कोल सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह उथे जाके बैठ गए। धन गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह उथे बैठे हन। कहे फकीर बंद कर दो। हाथ जोड़ के अंदरों आवाज आई। फकीर ने दूरों ही कह दिता भी हो सकता है इस आउन वाले अतिथि नू पता ना होवे भी मेनू कोड़ दा रोग है। इस चुंगी दे अंदर जां इस झोंपड़ी दे अंदर ए रहना चाहुंदे होण। उन्हें दूरों ही हाथ जोड़ के उची आवाज विच कहा, मोर समीप ना आवत को। हे अतिथि मेरे कोल ना आयो, मेरे कोल ता कोई भी नहीं आउंदा। उनू ए सी भी इन्हां नू पता नहीं होना मेरे कोल तां कोई भी नहीं आउंदा, तुसी मेरे कोल ना कोई आयो, मैं तां कोड़ दे रोग दे नाल पिया विलक रहा हां। मता किते मेरे कोड़ दे रोग तो तुहानू तुहाडे शरीर नू भी किसी प्रकार की कोई लाग लग जाए, तुसी मेरे कोल ना आयो। खग पागे पिक गिनती क्या नर। कोल तां कोई पंछी आदि भी नहीं आउंदे, मनुखां दी तां गल ही किथे है। मनुख केवल मनुख रूप विच पातशाह नहीं, ओह तां आप नारायण कला धार जग मैं परवरयो। ओह तां आए ही दीन दुखियां दा सतगुरु पातशाह उधार करन वास्ते हन। धन गुरु नानक देव महाराज जी नू आवाज दित्ती, पातशाह कोल ना आयो। धन गुरु नानक देव महाराज जी उसे पासे गए, उची आवाज विच कहन लगा, बंदयां दी की गल करां, मेरे कोल तां पंछी आदि भी नहीं आउंदे।
ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਝੁੰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਂਪੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਮ ਆਏ ਮੋਹ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ ਕਰਤੇ ਥਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਟਿਕਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਨੈ ਪੋਡੇ ਬੈਠੇ ਗਤ ਦਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਭ ਨਿਸਕੁਸ਼ਟੀ ਸੰਕਟ ਪਾਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਗਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਘੜੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋੜੀ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਘੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਿਲ ਲਾਵੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਵਿਧ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਅਰਧ ਨਿਸਾ ਬੀਤੀ ਜਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨ ਤਬ ਸੰਕਟ ਕਟਨੇ ਹੇਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਿਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਛੇੜੋ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਆਪਾਂ ਨਿਵਾਰੀਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ ਤਾਰਾਂ ਕਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੁਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਦਾ ਨਗਰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦੀ ਝੋਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੂ ਬਾਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਪਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਜਦੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਰਿਜਦੀ ਹੈ ਤਪ ਤਪ ਖੱਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਫਿਰ ਖੱਪਦੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਹੀ
क्योंकि पावन पवित्र बाणी तो दूर होया ए जीव इसे तरह अपने जीवन विच रिझदा है। जै तन बाणी विसर जाए, जिस तन तो पावन पवित्र गुरु की बाणी विसर गई, ज्यों पक्का रोगी विल लाए, पक्का रोगी कहिए कोड़ दे रोगी नू पक्का रोगी, जिस प्रकार ओ विलकदा है महाराज कहिंदे हालत, उस जीव दी भी ऐसी हालत है जड़ा पावन पवित्र रब्बी बाणी तो दूर है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु महाराज सचे पातशाह जीआं दे पावन पवित्र शब्द कई बार कई अश पावन इस बाबत पुछ भी लेंदे हन, भाई साहब जी ए दसना करो भी जिहड़ी पावन पवित्र बाणी है तन दे रोग किवें ठीक करदी है। चलो मन्या भी जिहड़े अंदर दे विकार ने बाणी उन्हां नूं निवृत कर देवेगी। ए अंकत किथे है कि जिहड़े तन दे रोग हन पावन पवित्र बाणी किस प्रकार उन्हां नूं निवृत किस तरह करदी है। भाई साहब भाई वीर सिंह जीआं दे पासों किसी जग्यासु ने यह प्रश्न किया, साखी है भाई महा सिंह जी ने अंकित की है उन्होंने जीवन के अंदर, कहते भाई साहब भाई वीर सिंह तो पूछया भाई जी पावन पवित्र बाणी शरीर के रोग किवें ठीक करती है। भाई वीर सिंह लगे कह कहते गुरमुखा बाणी पढ़ते हो, कहते जी हां, कहते सुखमनी साहब का पाठ, कहते जी वह तो मैनू जबानी कंठ है। भाई वीर सिंह कहिंदे चलो बड़ी वधिया गल, प्रिंटिंग प्रेस सी भाई वीर सिंह जीआं दी श्री अमृतसर साहिब, कहिंदे चलो हाथ सुचे कीते हाथ तकड़े करके कहिंदे भी चलो आओ आपां बाणी पढ़िए, मैनू बाणी सरवण करवाओ, बड़ा इस बब दा समा बनिया है, बड़ा पुन दा काम, तुसी बाणी पढ़ो आपां बैठे सरवण करने हां। हाथ तकड़े करके बाणी लगे पढ़न, उन्होंने पावन पवित्र श्री सुखमनी साहब जिया का पाठ प्रारंभ किया, गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक, आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, पढ़द्या पढ़द्या साध संगत जी अष्टपदी प्रारंभ की, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन माहे मटावो, सिमरो जास बिसंभर एक नाम जपत अगणत अनेक। भाई वीर सिंह जी ने रोक लिया, कहते गुरमुखा फिर आरंभ कर, उन्हें फिर आरंभ किया, अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन माहे मटावो, उन्हें फिर पढ़िया, भाई साहब जी ने फिर रोक लिया। कहते भाई साहब जी रोक दे क्यों हो, कहते ध्यान नाल पढ़, तुसी पुछया भी तन दे रोग बाणी किवें निवृत करेगी। भाई वीर सिंह कहन लगे आ पंक्ति विच वेख महाराज जी ने स्पष्ट तन ही तां लिखिया है पंजवें पातशाह जी ने, काल कलेशो तन माहे मटावो, कहिंदे महाराज जी ने लिखिया है जिथे मन दे रोग ने बाणी उन्हां नूं भी दूर करदी है जिहड़े शरीर दे रोग पावन पवित्र गुरु की बाणी, क्योंकि जितने भी रोग हन साध संगत जीओ इको तरह प्रथम शरीर नूं नहीं पहला सूखम शरीर नूं रोग लगते हैं, सूखम शरीर नूं रोग लगते हैं। आम तौर पर कहा जाता है भी जड़ा ए शुगर का रोग खंड तो नहीं, खंड तो घट लगता है, चिंता नाल ज्यादा लगता है, मन्या गया ना भी खंड खान दे नाल जां मिठा खान दे नाल कला शुगर का रोग नहीं है, ये चिंतावां दे नाल डिप्रैशन दे नाल इन्हां रोगां दे नाल इहदा ज्यादा तल्लुकात है। प्रथम जितने रोग हन प्रथम रोग लगते ही सूखम शरीर नूं हन, सूखम शरीर नूं लगन तो बाद ही जिहड़े ये रोग हौली हौली स्थूल शरीर तक आउंदे हन। बाबा कबीर साहब जी का शब्द है, पावन पवित्र गौड़ी राग का पावन बचन है, ल्यों ल्यों करत फिरै सब लोग, ल्यों ल्यों करत फिरै सब लोग, ता कारण व्यापै वो सोग, मारे गए हाय कुछ नहीं है, घाटा है,
किस प्रकार चलेगा ए चिंता दे नाल ही जीव बजा होया है तां कारण व्यापै वो सोग इतों ही जड़े रोग इतों आरंभ हो गए ये तां सूखम शरीर नूं रोग लगे हुए हन ते पावन पवित्र गुरु की बाणी सू पहला जिहड़े अंदर दे रोग महाराजियां दे पावन पवित्र बोल कटदे उहनां रोगां नूं हन महाराजियां ने इहो शब्द तां कहे हन महाराजियां दे पावन पवित्र बोल जियो तपत है बारो बार 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 तप तप खपा बहुत बेकार 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 जय तन बाणी विसर जाए 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 पक्का रोगी विल लाए जो पक्का रोगी विल लाए जो पक्का रोगी विल लाए जो पक्का रोगी विल लाए पातशाह जी ने नाल कारण भी दस दिता गुरमुख प्यारे जो अरदास करते हैं एहो बेनती करते हैं महाराज ना भुली ना भुलाई ना विसरी ना विसारी महाराज कहिंदे गुरु के सिखा बाणी ता भुली फिरदा है जै तन बाणी विसर जाए पता ही नहीं कि कदों दे पावन पवित्र महाराजियां दे बोल पड़े हन किस प्रकार दे नाल जिहड़ी अंदर दी खुराक है हरका नाम त्याए का हो हरिया भाई हरिया किवें होवेगा पानी जिहड़ा अंदर दा बूटा है फसल है सुक गई पातशाह कहिंदे बाणी पढ़ एहो ही तां खुराक देनी है उस अंदर नूं हरका नाम त्याए कै हो हरिया भाई हरिया भरिया तां ही होएगा महाराज कहिण लगे जे नाम सिमरेगा जे नाम सिमरना नहीं है कोल ते भाई फिर जिहड़ा अंदर दा फसल है अंदर दा जिहड़ा खेड़ा है भाई उह सुक चुका है उथों तक जिहड़ी अंदर दी खुराक है इह तां चलो भोजन प्रसाद तां शरीर दी खुराक है शरीर नूं पानी ना मिले शरीर नूं प्रशादा ना मिले किन्ने कु दिन चलेगा कमला जाएगा ना प्रशादा चलो एक दिन ना छकिया दो दिन ना छकिया तीन दिन हौली हौली करदिया जिहड़े अंदर दे तत् ने उह घटने शुरू हो जाणगे पानी ना मिलिया शरीर नहीं तुर सकेगा क्यों क्योंकि जिहड़ी अंदर दी जिन्हां तत्तां नाल शरीर बनिया है जदों तत् पूरे ना होए शरीर फिर तुर नहीं सकेगा ते जिहड़ा अंदर दा सूखम शरीर बनिया है जदों उहनूं उहदी खुराक ना मिले तां उह भी कमजोरा होया है कमजोरा उह रोगी होया है अंदर वाला शरीर जिहनूं महाराज जी इत्थे नाल अंकित पए कर रहे हन जिहनूं पावन पवित्र बाणी दी खुराक देण दी गल कीती है शरीर नूं कल्ले नूं शरीर तां चलो भोजन प्रसाद जदों आपां पढ़ने हां साध संगत जी उह आप जी पावन पवित्र बचन महाराज जीआं दा भाई सत्ता भाई बलवंड जिया ने वार दे अंदर रामकली राग दे अंदर वार दे अंदर दो बचन लिखे कहिंदे गुरु दे घर दे अंदर दो प्रकार दा लंगर पिया चलदा है गुरु अंगद देव पातशाह तेरे घर गए दो प्रकार दा लंगर पिया चले एक लंगर दी जिम्मेवारी माता खीवी जी ने चुकी हुई है दूसरे लंगर दी जिम्मेवारी धन श्री गुरु अंगद देव महाराज वरता रहे ने एक पासे लंगर अंदर माता खीवी शौ सोयजन गोए उठाली माता खीवी जी लंगर दे अंदर जिस प्रकार नाना प्रकार दे जिहड़े लंगर प्रसाद पकवान पए उह वरता रहे हन धन श्री गुरु अंगद देव महाराज सचे पातशाह तुहाडे घर दे अंदर जिहड़े नाम दा लंगर है उह पिया चलदा है इस शरीर नूं लंगर प्रसाद उन्हें छकिया जिहड़ी अंदर दी खुराक है सतगुरु जी दी पावन पवित्र बाणी पढ़नी यह अंदर दी खुराक है भोजन प्रसाद छकना वह बाहर दी खुराक है महाराज जिया दे घर दोवें प्रकार दा लंगर पिया चलदा है हुण सतगुरु महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर पातशाह महाराज सानू सेध दे रहे हन धन श्री गुरु नानक देव महाराज के गुरु के सिखा
पावन पवित्र बाणी नू ना वसारी जय तन बाणी विसर जाए। जिवें महाराज कहन लगे भाई कोड़ दा रोगी विलकदा है जीव बाणी तो बिना इस प्रकार ओ भी विलकदा है। बोता बोलन चखण होए साहिब दे सामे बहुता बोलना चखण है। महाराज जीआं दा शब्द है आसा राग दा गुरु नानक देव महाराज जी दा पाप पुन दे साखी पास क्या मूह लैकी चै अरदास गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पाप पुन दे साखी पास क्या मूह लैकी चै अरदास। पातशाह मैं चंगा हा मैं ए कीता है पातशाह मैं अज ए पला करके आया हा महाराज मैं इन्ना दसवंद कड्या है। महाराज कह लगे पाप पुन दे साखी पास भाई ओनू की दस रहा है भाई उस तो ता कोई ओला ता है ही नहीं क्या मूल है कीचा अरदास। बहुता बोलन चखण होए उस साहिब दे सामे बहुता बोलना चखण है। विण बोले जाने सब सोए पूर्ण परमात्मा बिना बोलिया ही ओ जानदा है। जीव ने अपना तरला महाराजियां दे घर तरला लेना है साहिब दे घर दे अंदर तरला है बेनती है उस साहिब दे घर दे अंदर पर उथे दावा काहू को नहीं। मालक दे घर दे अंदर दावा नहीं ओ बिना बोलिया ही जानदा है। रहाओ जिन कन कीते अखी नाक जिस साहिब जिया ने वेख तेनू सोने कन दिते जिस साहिब जिया ने नेत्र दिते जिन कन कीते अखी नाक नासका दिती उस साहिब जिया ने जिवें पंजवें पातशाह जिया दा शब्द आउंदा है पावन श्री सुखमनी साहब जी दे पावन पवित्र अष्टपदी रमैया के गुणचेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अगन मैं जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझा प्यारा दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साक सैन मुख प्याओ बैठ को दैन। पर महाराज कहन लगे ए निर्गुण गुण कछु ना बूझै बख्श लो तो नानक सीजा। कहिंदे इह किसे दे कीते पर उपकार नू बहुता समा जीव याद नहीं रखदा। जिन कन कीते अखी नाक जिस साहिब जिया ने सानू ए दिते हन जिन जीवा दित्ती बोले तात साहिब जिया ने आ सानू जीव दित्ती जिदे नाल तत्काल तू बोलदा है छेती जिदे नाल बोलदा है। जिन मन राखिया अग्नि पाए साहिब जिया ने आ साडी जिंद माता दे उदर दे अंदर भाव इनू टकाया ते उथे हाथ दे के रखिया जिस साहिब जिया ने उस थां ते मालक सचे पातशाह जिया ने रखिया कीती। वाजे पवन आखे सब जाए और हवा दा बुला वज्या ते जीव संसार दे अंदर भाव ए विचरदा है। जेता मोह प्रीत स्वाद माया दा मोह जेता मोह प्रीत संसार दे रसा कसा दा स्वाद सबा कालक दागा दाग ता जीवन दे अंदर साध संगत जियो जिंद दे ऊपर दाग ही हन। जेता मोह प्रीत स्वाद सबा कालक दागा दाग ए जिंद दे ऊपर कालक शराई दे वांगू साध संगत जियो दाग ही ता लग के जांदा है। साहिब सचे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जीआं दी पावन पवित्र रब्बी बाणी दे विचों मालक सचे पातशाह जीआं ने भव सागर तरन दा गुरदेव महाराज सचे पातशाह उपदेश पै दे रहे हन कि हे गुरु के सिखा भव सागर नूं तरना है तू इन्हां तों बच साहिब दे घर दे अंदर जाना है अमल सिरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तैं खटिया कहां गवाया चलो सताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगाह का आया करो अरदास गाव किछ बाकी लिहो नवेर आज की राती सभा कालख दागा दाग ए जिंद दे ऊपर दाग ही हन। दाग दोस मो चलिया लाए और
जो फिर वारी आई तुरन दी ए फिर अपने मुख दे ऊपर इन्हां दागां नूं ला के तुरदा है। दाग दोष मोह चलिया लाए ए ला के तुरदा है। महाराजियां दा शब्द है सब इकट्ठे हुए आया घर जासन वाट वटाया। गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चले मूल गवाए जियो। सब इकट्ठे हुए आया आए मालक दे कोलों पर घर जासन वाट वटाया। कहिंदे जदों घर जांदे हन वाट वटाया कहिंदे रस्ते बदल गए। महाराज रस्ते किवें बदल गए? पातशाह लगे कहण कहिंदे गुरमुखां दा रस्ता वखरा हो गया मनमुखां दा रस्ता वखरा हो गया। सब इकट्ठे हुए आया घर जासन वाट वटाया। गुरमुख लाहा लै गई मनमुख चले मूल गवाए जी। गुरमुख अपनी जिद दी बाजी हार जित के तुरे मनमुख अपनी बाजी हार के तुरे ते साहिब सच्चे पातशाह कहन लगे इथे मनमुखा ने दाग दोष मोह चलिया लाए। भाई इस प्रकार ओ तुरदा है दरगै बैसन नाई जाए। फिर थां नसीब नहीं हुंदी रे रे दरगै कहे ना को आओ बैठ आदर शुभ देव। पर मनमुखा नू महाराज कहिंदे दरगै बैसन नाही जाए फिर उथे थां नसीब नहीं हुंदी। कर्म मिले आखण तेरा नाम। हे मालक जी जे वड्डी तेरी नदरे अनायत हो जाए वड्डे कर्म हो जान कर्म मिले आखण तेरा नाम जे तू आप अपनी रहमत करके तरस करके अपना तू नाम जपा देवे। जित लग तरना होर नाई थां। हे मालक सच्चे पातशाह होर कोई ढंग तरीका पी नहीं पव सागर नूं तरन दा। जित लग तरना होर नहीं थां। मालक सच्चे पातशाह होर कोई भी ढंग तरीका नहीं है पव सागर तो पार होण दा। जे को डूबै फिर होवै सार। हे भाई जे कोई इस संसार दे अंदर डूबया भी होया है जे कोई डूबया होया है जे को डूबै फिर होवै सार जे ओ भी बाणी दा पल्ला पकड़ लवे। नानक साचा सर्वदाता। साहिब परिपूर्ण परमात्मा जो सारिआं नूं दाता देण वाला है। साहिब सच्चे पातशाह जी दा बोल कि जे को डूबा फिर होवै सार जे को डूबिया होया है फिर होवै सार दा भाव भी जे ओ बाणी दा पल्ला पकड़ लवे। गौड़ी राग दा पावन पवित्र शब्द पंचम गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह जी दा। साहिब सच्चे पातशाह कहन लगे गर्त परत गै लिहु अंगुरिया श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया। हे परिपूर्ण परमात्मा मैं डुब्या होया हां डुब्या होया हां इस संसार दे अंदर ते डुब्बा सारा हां केवल मेरिया उंगलां दे जिहड़े पोटे हन एहो बार हन। पातशाह रहमत करो तुसी इन्हां पोटियां तो पकड़ के बार खिंच लो। फिर महाराज अगली पंक्ति विच कहन लगे पातशाह जिस वक्त तुसी बार कढोगे ना ही मेरे श्रवण स्रोत ठीक है ना ही मेरी वेखनी ठीक है। पातशाह आप रहमत करो आप किरपा करके तुसी मेनू पवसागर डुबते तो एदा ही बार कढ लवो। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ नाथ करना मैं साजन मीत पिता महतरिया। हे मेरे मालक सच्चे पातशाह तुसी मेनू पवसागर तो बार कढ लवो। कर्म मिला आखण तेरा नाओ जे मालक जी तुसी रहमत कर दवो जे कोई जीव आप जियां दे नाम नू सिमर लवे। जित लग तरना होर नहीं थाओ जे को डूबै फिर होवै सार जे पावन पवित्र बाणी दा मालक दे पल्ला पकड़ लवे। नानक साचा सर्वदातार ओ परिपूर्ण परमात्मा साहिब सच्चे पातशाह जो सारिआं नूं दाता देण वाला है। चौपाई श्री गुर सर्ब शब्द मुख पना। सतगुरु मालक सच्चे पातशाह जी दे पासों अद्धी रात दा वेला है जिहड़ा कूड़ी है हाए हाए करके विला रहा है
सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह बैठे ने, भाई मरदाना साहब जी बैठे ने, पातशाह शब्द गा रहे ने। जिवें जिवें शब्द नूं सुनिया, जिवें कोई डूंगे जख्म दे उपर कोई मलम पट्टी करदा है, सतगुरु जी दे शब्द ने ओ ठंडी तसीर दित्ती रोगी नूं, कोड़ी नूं तरवास दित्ती। सतगुरु महाराज इधरों शब्द उचारण करन ते उहने सतगुरु महाराज सचे पातशाह जीआं दे पासों बड़े टका दे नाल शब्द सुनिया। जिवें किसे ने कोई तपदे हुए कोई अगन दे नाल उहदे कोल कोई बैठ के उहनूं तरवास दित्ती, ठंडा नीर किसे ने बख्शिया। जिवें किसे ने जख्मी नूं कोई मलम पट्टी दा कम कीता। धन गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह आप जो संसार दे स्वामी ने, सतगुरु गुरु नानक देव महाराज शब्द गा रहे ने, भाई मरदाना साहब जी नाल रबाब दे नाल सतगुरु महाराज जीआं दे साथ ने, ते कोड़ी दा रोग ठीक किवें ना हुंदा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज सचे पातशाह जीआं ने शब्द गावेआ ते रोगी कोड़ी ने उस थां ते महाराज जीआं दा शब्द सुनिया। तूषण कर कुश्ती ने सुना, शांत सुभा दे नाल सतगुरु महाराज जीआं दे पासो शब्द सारा सुनिया। पाई दे तत्काल अरोगं, बिनस गए मन के सब सोगं। जिवें जिवें पातशाह जीआं ने शब्द गाया, कहिंदे जिहड़ा उहदा शरीर कोढ़ दे रोग नाल भरिया होया सी नरोआ हो गया। पातशाह जीआं दे कोल बैठिया भई देह तत्काल अरोगं, बिनस गए मन के सब रोगं। जिहड़े तन दे रोग तथा जिहड़े मन दे रोग सारे ही पातशाह जीआं ने निवृत कर दिते। गुरमुखो जिहदा कोई ना होवे, धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह उहदे हन। कोड़ी दे कोल जाके बैठ जाना पिंगलवाड़े दे अंदर, जिहड़े कोई गुरमुख प्यारे सेवा दे अंदर जुड़दे हन, कोई भी उहनां दे बिस्तरे दे कोल जदों कोई अपना साथ छड जाए। कई वार ना गुरमुखो इत्थे सेवा निभाउंदिआं सेवा करदिआं जदों महाराज जीआं दे इहनां थावां ते ताबिआं ते ड्यूटी करी दी है, कई वार कोई गुरमुख प्यारे आउंदे हन। भाई साहब जी बजुर्गां दी जिहड़ी हालत है घर दे अंदर ठीक नहीं, पातशाह नूं अरदास कर दिओ भी जां ठीक कर दें जां देही महाराज जी समेट लैण। हुण मालक सच्चे पातशाह जीआं ने गण घाले सब दिवस सास नै बढ़न घटन तिलसार, पातशाह नूं किवें कह दईए पातशाह हुण तूं चुक लै। हे भाई जिन्ने उन्ने सवास, भाई साहब सेवा नहीं हुंदी। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी जिन्हां दा कोई नहीं जदों अपने जवाब दे जान धन गुरु नानक देव महाराज जी तां उहनां नूं भी सीने लाउंदे हन। कोड़ी कोल कोई नहीं गया, पिंडदिआं ने नगरदिआं ने घरदिआं ने बाहर कर दिता, सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह उत्थे खलोते। पिंगलवाड़े दे अंदर जदों कोई वार कोई अजिहा होए ना भी मालक सच्चे पातशाह तूं दित्ता ही की है सानू, मालक मेरे कोल की है, धन संपदा मेरे कोल नहीं, ते जे किते एक वारी एदा मन विच ख्याल आए ते जरूर पिंगलवाड़े दा जरूर एक गेड़ा उस थां ते जरूर एक वारी वेख के आयो भी पातशाह ने सानू की दिता है जिहड़ा होर नूं नहीं दिता। सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। वेखो जिहड़े आप भोजन प्रसाद नहीं छक सकदे, जिहड़े आप अपने शरीर की क्रिया नहीं साध सकते, मालक जीआं ने नरोए अंग नहीं दिते उन्हां पास। जिहड़े पानी वास्ते हर बुरकी वास्ते किसे दे मोहताज ने, कोई आएगा मूंह विच पानी पाएगा, कोई आएगा लिजा करके किसे ना किसे पासे जां कोई हैल्प साडी मदद करेगा। वेखिए पातशाह ने सानू की नियामतां बख्शिश कीतियां, की दातां दित्तियां होईयां हन। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह पासो शब्द रोगी ने सुनिया, शरीर निरोआ होया है। निर्मल पाई मनीखा तबई, सारी जिहड़ी कायां तंदुरुस्त हो गई। मन मलीनता नासी सबई, अंदर दी जितनी भी मलीनता सी सारी मलीनता दूर हुई। पाई पौर
पाहुल पगलीनी। अमृत वेला होया धन गुरु नानक देव महाराजियां दे तुरन तो पहला हाथ जोड़ के सतगुरु महाराज सचे पातशाह जिया दे पासो पाहुल लई महाराज सचे पातशाह दे पासो चरनामृत कोड़ी ने इस रोगी ने पातशाह दे पासो चरनामृत लिया है। हिरदे जागी भगत नवीनी अंदर मालक सचे पातशाह जिया दे चरना बाबत प्रेम जागया भगती करन दा चाओ मलार पैदा होया। प्रगटी नगर विखे सुध सो एहो खबर हुण दिन चढ़िया सारे पासे पिंड दे अंदर नगर दे लोकां तक पई कि जिस फकीर टोले नूं आपा रात जगा नहीं दित्ती उस फकीर ने बार रोगी दे झोंपड़ी अंदर रात बतीत कीती है ते उहनूं नवां नरोआ कर दित्ता। जदो एक खबर पिंड विच सारे पासे पहुंची बिकन दरस आए सब को सारे सतगुरु महाराज जियां दा दीदार पाउण वास्ते आए। फिर आए ना माल सतगुरु जी दे कोल आए होणगे पातशाह मेरा भी रोग ठीक कर दिओ महाराज मेरा भी रोग ठीक कर दिओ। कई तां अजिहे ही आए होणगे कई विचों भावना वाले आए होणगे बहुते तां इहो होणगे पातशाह मेरा भी इहो रोग है मेरा भी इहो रोग है। महाराज जी दे कोल बहुतात विच उथे लोक आए आन उपायन तरे अगारी आन के उन्हां ने वक वक पेटावां पातशाह जी ने समक्ष अगे रखियां हन। संतो बख्शो भूल हमारी महाराज सचे पातशाह रहमत करो साडे कोलो भुलना हुई है गुस्ताखी हुई है महाराज सचे पातशाह साडी भुलना तुसी बख्श दवो असी नगर दे अंदर तुहाडी सेवा नहीं कर सके असी तुहानू नगर विच रात निवास नहीं दे सके। सेवक करिए शरण तुम्हारी पातशाह सानू अपने सेवक बनाओ असी तुहाडी शरणी आए हां। दरस अमोगं परोपकारी महाराज सचे पातशाह अपने पावन पवित्र दीदार सानू ए बख्श दो जेड़े परोपकारी हन। सुन कर तिनकी बिनय बिसाला सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी जेड़े सतगुर सबना दा भला मनाएंदा तिस दा बुरा क्यों होए। सतगुर सदा दयाल है भाई विण भागा क्या पाई है। ऐसा नहीं भी आपा गुरु नाल नाराज हो जाइए भी गुरु भी अगो साडे नाल उस तरह नाराज हो जाते हैं। सतगुरु सोडे सुल्तान धन गुरु रामदास पातशाह जी का वचन आंदा है तिस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद। कई बार जिवें बाल रुस जाते हैं ना कोई शह वस्तु ना मिले पिता कोलों जा माता कोलों जिवें बच्चा रुस जाता है ते महाराज कहन लगे गुरु दे नालो प्रभु दे नाल रुसिया काम नहीं चलना गज के आखो सतनाम श्री वाहे ओदे नाल रुसिया काम नहीं चलना। बाणी दा बचन है तिस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद जिन्हू साडी चिंता है मालक नू ओदे नाल रुसिया काम नहीं चलना। उन्हू त्योना है उन्हू याद रखना है अपने हृदय दे अंदर। महाराज सचे पातशाह जी ने उन्हां दी बिना बेनती नू सुनिया सब को पाहुल दे तत्काला महाराज जी ने उन्हां नू पाहुल दित्ती चरनामृत दित्ता है। सत नाम को जाप सुनायो करनो नित सत संग बतायो। महाराज जी ने वचन कीते हे भाई तुसी पहला इत्थे धर्मशाल नगर दे अंदर बनाओ। सतगुरु महाराज जी ने संदेश दिता सवेर वेले तथा शाम वेले धर्मशाला विच जुड़ करके सतनाम श्री वाहिगुरु जी का महाराज जी ने उपदेश दिता भाई सारा नगर मिल बैठ करके तुसी इत्थे भजन बंदगी करनी। महाराज सतगुरु गुरु नानक देव सचे पातशाह जिहा उपदेश दिता जिवें भाई साहब भाई गुरदास साहब जी लिखते हैं घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। महाराज सचे पातशाह उपदेश दिता है बोरो
कीनो गमने अगारी। सतगुर गुरु नानक देव महाराज जी फिर उस नगर तो अगे रुखसत हुए हन। तिन चरणन पर कव बलिहारी। अजिहे पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जिया दे मुबारक चरण कमलां दे उपर भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहिंदे मैं वारने जावा बलिहार जावा। अजिहे पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे मुबारक चरण कमलों तो मैं बलिहार जांदा हां। साध संगत जो इत्थे ही अध्याय समाप्त होया है। जो कोड़ी निस्तारा पातशाह जी ने कीता शाह और कोड़ी फकीर का प्रसंग इत्थे संपन्न होया है। कथा विचार करदिया होइया बेअंत बेअंत फुलां दी खिमा। वाहिगुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। हे अच्युत हे पार ब्रह्मा बना सी अगनाथ हे पूरण हे सर्वम सुख पंजन गुण तास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान हे अपरंपर हर हरे पियो अनहारे हे संत का सदा संग धाराया दार हे ठाकुर हौ दासुर निर्गुण गुण नहीं।